नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एच पी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं, ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। नशेड़ी ने किया दोस्त का मर्डर, पूरे क्षेत्र में मचा हड़कंप, दहशत का माहौल। क्या न्यूज़ है, कहाँ की न्यूज़ है, चलिए जानकारी आपको इस वीडियो में देते हैं। हमीरपुर में नशेड़ी ने ली दोस्त की जान। उपमंडल भोरंज के तहत चाहू क्षेत्र में एक प्रवासी व्यक्ति ने अपने दोस्त की हत्या कर दी है। मृतक का की जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि व्यक्ति की मौत नेचुरल ढंग से नहीं हुई। वहीं पुलिस ने आरोपी को जब गिरफ्तार किया तो उसके शरीर पर भी चोटों के निशान मिले हैं। इससे यही साबित हो रहा है कि दोनों के बीच जमकर हाथापाई भी हुई है, यही वजह से कि आरोपी के शरीर पर निशान पड़े हैं। बताया जा रहा है कि नशे की हालत में यह खौफनाक कदम उठाया गया है। पुलिस आरोपी से अब गहन पूछताछ कर रही है। अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि आरोपी ने किस तरह से हत्या को अंजाम दिया है। हालांकि इस बात का पता चला है कि जिस रात हत्या हुई उस रात आरोपी तथा मृतक ने नशे का सेवन कर रखा था। बता दें कि भोरंज थाना के जाहू कलां गाँव में उत्तर प्रदेश के गाँव चंदवाड़ा जिला हाथरस के 37 वर्षीय व्यक्ति योगेश कुमार की 26 सितंबर की रात जो है हत्या हुई है। आरोपी ने हत्या कर शव को किराए के मकान से कुछ दूरी पर फेंक दिया था। 26 सितंबर की रात को 1 बजे के आसपास जाहू पुलिस को किसी ने सूचना दी कि यहाँ पर कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, परंतु वहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। मृतक की पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि मेरे पति की हत्या की गई है और एक व्यक्ति पर शक भी जताया था। मृतक की पत्नी मुन्नी देवी ने जिस व्यक्ति पर शक जताया था वह क्रशर पर कुक का कार्यकर्ता है। पोस्टमार्टम में भी मृतक के शरीर व गले पर निशान मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई, जिस व्यक्ति पर उसकी मृतक की पत्नी ने शक जताया था उससे पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही थी। तो दोस्तों, ये ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।